नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स मास्टर पे। दोस्तों, इतिहास की इस सब्जेक्ट श्रृंखला में हम लोग आज बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के, जो कि आपका है बंधुत्व जाति और वर्ग, चैप्टर का नाम है। लेकिन दोस्तों, बेसिकली इसमें आपको पढ़ना क्या है, महाभारत काल से संबंधित जो बातें हैं वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आपके प्रश्न बन सकते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, ओके। तो दोस्तों, इस चैप्टर में जो आपका पहला प्रश्न बनता है वो कि आपका है श्रीमद् भगवद गीता से आप क्या समझते हैं, ओके। दोस्तों, या बोल सकते हैं इसमें श्रीमद् भगवद गीता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता को महाभारत का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया है, जो कि दोस्तों हम जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के समय क्या हुआ था, गीता का ज्ञान दिया था, ठीक है। तो क्या है, यह महाभारत का अभिन्न अंग है, ठीक है। इसके वर्तमान संस्करण में, ओके दोस्तों, इसके गीता के वर्तमान संस्करण में 700 श्लोक है और अन्य संस्करणों में 714 तथा 745 श्लोक है, ठीक है दोस्तों। जो वर्तमान संस्करण है दोस्तों गीता का, उसमें कितना है, 700 श्लोक है और अन्य संस्करणों में 714 और 745 श्लोक है। इसके श्लोकों की संख्या घटने बढ़ने से इसके मूल सिद्धांतों और उसकी शिक्षाओं में कई भेद नहीं है, ओके दोस्तों। क्या कह रहा है कि जो भी इसके श्लोक संख्या घटती बढ़ती है, ठीक है, उसके इसके सिद्धांत और शिक्षाओं पे कोई भेद नहीं, यानी कि कोई बदलाव नहीं आया है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता पर प्रकाशित की गई पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस पुस्तक में उचित कार्य के लिए विरोध, ठीक है, भगवान की इच्छा को स्वीकार करना, सत्य को सर्वधर्म मानना, सांसारिक बंधनों से मुक्ति, शांत मन और एकांतता की विस्तार पूर्व व्याख्या की गई है, ओके दोस्तों। क्या है श्रीमद् भगवद गीता में क्या किया गया है, तो इसमें इस पुस्तक में अनुचित कार्य के लिए, दोस्तों यहाँ पे उचित लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, अनुचित कार्य के लिए विरोध, ठीक है, भगवान की इच्छा को स्वीकार करना, सत्य को सर्वधर्म मानना और सांसारिक बंधनों से मुक्ति की बात की गई है, किसमें, गीता में, ठीक है। आप सुनिएगा गीता का जो भी उपदेश है, तो उसमें कहा गया है कि क्या है कि सारा क्या है, जीवात्मा क्या है, अमर है, ठीक है, इसको न कोई मार सकता है, न कोई काट सकता है, नहीं कोई अग्नि जला सकती है। सुनिए होगा ये श्लोक, ठीक है, नैनम चिन्नम शस्त्राणी नैनम बहती बाबक, इस श्लोक आपका है, उसमें कहा गया है क्या कि आत्मा जो होती है वो अमर होती है, ठीक है, उसको ना ही कोई आग जला सकता है, ना ही कोई पानी डुबो सकता है, ना ही कोई शस्त्र उसे मार सकता है, ठीक है। जो शिक्षा दी गई है किसमें, आपके माँ भगवद गीता में दी गई है, ओके। तो ये आपके हैं टिप्पणी है, संक्षिप्त टिप्पणी है। अगर आगे की बात करें हम, अगला प्रश्न आपका इसमें इंपॉर्टेंट है, वो है प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डाले, ओके दोस्तों। क्या है, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डाले, तो चलिए देखते हैं। प्राचीन भारत में समाज मुख्यतः 4 वर्णों विभक्त था, हम जानते हैं, ठीक है। क्या है कि भारत जो समाज व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था, उसमें 4 भाग में विभक्त था, कौन सा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है दोस्तों। क्या है, 4 वर्ण थे, ठीक है, कौन कहे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। सबसे ऊपर ब्राह्मण को माना जाता है, ठीक है दोस्तों, इन वर्णों में सबसे ऊपर किसे, ब्राह्मण को माना गया है, ठीक है। सभी वर्ण को उनके कर्म में श्रेष्ठ माना गया है, ठीक है, यानी कि सभी वर्ण क्या है, अपने अपने काम में क्या है, श्रेष्ठ है, ठीक है, ना ही कोई क्या है, अलग नहीं है कोई, सब अपने अपने काम में क्या है, श्रेष्ठ है। फिर है शिक्षा के लिए ब्राह्मण श्रेष्ठ है, सुरक्षा के लिए क्षत्रिय श्रेष्ठ है, वैश्य और शूद्र उद्योग करने में श्रेष्ठ है, ठीक है। इन चारों वर्णों में शूद्र को सबसे निम्न समझा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, चारों वर्ण में क्या है, सबसे नीचे कौन है, शूद्र है, ठीक है। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में यह जन्म आधारित हो गई दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जो हम जाति व्यवस्था देख रहे हैं, ठीक है, वो आपका ऋग वैदिक काल में नहीं था, ठीक है। ऋग वैदिक काल में जो भी वर्ण था वो सिर्फ उसके काम को लेकर संबंधित था, उसमें जाति व्यवस्था वाली बात कोई नहीं थी, ना ही कोई भेदभाव थी दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन यह क्या हो गया, जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता, यानी कि ऋग वैदिक काल के बाद जो समय पीरियड है जो आपका क्या, ठीक है, ठीक है, 1000 से जो आपका 600 ईसा पूर्व का जो समय है, ठीक है दोस्तों, वो क्या है, आपका उत्तर वैदिक काल का समय है। और उत्तर वैदिक काल में क्या होता है दोस्तों, यह जो वर्ण व्यवस्था है वो क्या है, आपके जातिगत व्यवस्था हो जाती है, यानी कि जन्म के आधार पर हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही जन्म के आधार पर हो जाती है तो आपका क्या बन जाता है, आपका जाति वाला रूप ले लेता है, ठीक है, और वहीं से आपका जाति व्यवस्था शुरू होता है, ओके। तो यह क्या थे, वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डाले, यानी कि वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है, ओके। अगला प्रश्न इसमें जो बनता है आपका, वो है सभा एवं समिति का संक्षिप्त वर्णन करें, ओके दोस्तों। सभा समिति क्या है, या फिर इससे पूछते हैं कि
सभा समिति से क्या समझते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। वैदिक काल में राजा को सलाह एवं सहायता के लिए दो संस्थाएं होती थी, ठीक है दोस्तों। कौन से काल है, वैदिक काल की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। वैदिक काल कौन सा होता है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को हम वैदिक काल बोलते हैं, ठीक है। तो वैदिक काल में राजा को सलाह एवं सहायता के लिए दो संस्थाएं होती थी, जिसे सभा एवं समिति कहा गया है, ठीक है दोस्तों। सभा एवं समिति क्या है, दो संस्था है, ठीक है, जो क्या है, राजा को सलाह एवं सहायता दिया करते थे, किस कब, वैदिक काल में, ठीक है। सभा चुने हुए संभ्रांत लोगों की एक छोटी संस्था होती थी, ठीक है। यानी कि सभा जो थी वो क्या थी, चुने हुए लोगों की, जो कि संभ्रांत यानी कि जो उच्च वर्ग के व्यक्ति थे होते थे, उसकी वो संस्था होती थी, और वो बहुत ज़्यादा लोगों की नहीं, छोटी संख्या होती थी, ठीक है। जबकि समिति आम लोगों की संस्था थी, ठीक है दोस्तों। सभा जहाँ उच्च वर्गों की लोगों की संख्या संस्था थी, वही समिति क्या थी, आम लोगों की संस्था थी, जहाँ पे सारे लोग उसमें भाग ले सकते थे, ठीक है। जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी स्पष्ट राय दे सकता था, किसमें, समिति में। यानी कि समिति क्या है, आम लोगों की संस्था थी, इसमें जितने भी लोग होते थे, कोई भी लोग इसमें जा सकते थे, भाग ले सकते थे और अपनी स्पष्ट राय दे सकते थे, ठीक है दोस्तों। तो ये थी सभा एवं समिति, ओके। नेक्स्ट आपका है गंधार कला की विशेषताओं का वर्णन करें, ओके दोस्तों। क्या है, गंधार कला की विशेषताओं का वर्णन करें। बेसिकली दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपका है वो आपका सेकेंड चैप्टर से है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन इसमें डाला गया है, कोई बात नहीं है, ये आपका है। चलिए, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, गंधार कला को। चलिए देखते हैं क्या है। महायान बौद्ध धर्म के उदय के साथ गंधार कला का भी उदय हुआ था, ठीक है दोस्तों। महायान, ठीक है, हम जानते हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद क्या था, चौथी बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है, जो कि प्रथम शताब्दी में हुई थी। उसके बाद क्या होता, बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान, ठीक है। तो महायान बौद्ध धर्म के उदय के साथ ही क्या होता है, गंधार कला का भी उदय होता है, ठीक है। इसका विकास गंधार क्षेत्र, ठीक है, अभिजात भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र, ठीक है, यानी कि जो आपका ईरान वगैरह का जो क्षेत्र है, ठीक है, उस क्षेत्रों में हुआ था, ठीक है, इसलिए इसे गंधार कहा गया है, ठीक है दोस्तों। क्या है, गंधार कला को गंधार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका विकास कहाँ हुआ था, गंधार के क्षेत्र में हुआ था, ठीक है, जो कि भारत के पश्चिमोत्तर में यानी कि उत्तर पश्चिम में है। इस पर यूनानी कला का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा, गंधार कला पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है, यूनानी कला का प्रभाव देखने को मिलता है। इस कला में पहली बार बुद्ध और बोधिसत्व की मानवाकार मूर्तियाँ विभिन्न मुद्राओं में बनी, ठीक है दोस्तों। देखते हो गया गौतम बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, ठीक है, बनाई गई होगी, ठीक है, विभिन्न मुद्राओं के रूप में, ठीक है। तो वो सारे क्या आपके गंधार कला के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, जो भी गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ होती है वो क्या है, गंधार कला के अंतर्गत बनी हुई है, ठीक है। मूर्तियों में बालों का अंकन पर विशेष ध्यान दिया गया है, देखते होगा दोस्तों, गौतम बुद्ध की मूर्ति में जो बाल उनके होते हैं वो अजीब तरह से घुंघराले घुंघराले बनाए गए हैं एकदम डिजाइन के रूप में, ठीक है। तो इसमें कहा गया क्या, मूर्तियों में बालों का अलंकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है, ठीक है। ये मूर्तियाँ सजीव प्रतीत होती है, यानी कि जो मूर्ति बनाई जाती है वो कैसा लगता है कि जीवंत मूर्ति है, सजीव मूर्ति है, उसमें जान है, इस तरह से देखने से लगता है मूर्तियों को, ठीक है, ओके दोस्तों। तो दोस्तों इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे आते हैं, न के बराबर इससे सवाल आते हैं, इसलिए क्या है, आप चाहे तो इस चैप्टर को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको गंधार कला को नहीं छोड़ना है, बाकी जो तीन क्वेश्चन है उसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, गिने चुने एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है दो नंबर में, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछता है। बाकी जो आपको पूछता है वो आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है, वो भी बहुत ईजी पूछता है, जैसे कि महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था, ठीक है, भीष्म पितामह कौन थे, ठीक है, इस तरह के सवाल जो ईजी प्रश्न होते हैं वो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं, लेकिन इसमें सब्जेक्टिव नहीं ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ओके, बहुत टेंशन वाली बात नहीं, बहुत चिंता वाली बात नहीं है, इसको हम आराम से छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन एग्जाम में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, आपके पास 27 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 15 का आंसर देना होता है, यानी कि 12 क्वेश्चन आपके पास एक्स्ट्रा बच जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन के रूप में, तो आराम से इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो आप सभा में समिति को पढ़ सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन कहीं ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट की बात करें तो यही आपका इसमें है, सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये तो आपका सेकेंड चैप्टर का है, तो इसको जरूर पढ़ के जाए गंधार कला को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछता है, ओके, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए, ओके दोस्तों।